आई होप आप ये वीडियो आखिरी तक देखेंगे। हम साइट पे देखने जा रहे हैं कि कवर कैसे दिया है, ये कवर दिया है और जो बीम और कॉलम का कॉम्बिनेशन है देख रहे हैं, और संकन स्लैब भी देखेंगे। संकन स्लैब क्या होता है? संकन जो पोर्शन होता है, ये देखिए, ये कंक्रीट कवर दिया है, ये रेनफोर्समेंट को ऊपर रखने के लिए दिया है थोड़ा, कि डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, आपकी जो बार है वो डायरेक्ट कंक्रीट के कांटेक्ट में ना आए। ये दिया, कंक्रीटिंग हो चुकी है यहाँ। अब आइए देखते हैं कि OTS जो दिया है इस हाउस में, इस घर में कहाँ दिया है वो। OTS होता है ओपन टू स्काई। ये पूरा फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पूरा ओपन जाता है। ये 4 बाय 4 फिट का दे सकते हैं आप, अपनी स्पेस जो अवेलेबल उस हिसाब से दे सकते हैं आपके रेसिडेंस में। ये दिया है, देखो ये जूम किया मैंने, जो क्रैंक देते हैं, क्रैंक पोर्शन था ये। यहाँ स्लैब इतना हो चुका है, स्लैब में कॉन्क्रीटिंग इतनी हो चुकी है, ये देखिए। जो स्लैब का थिकनेस होती है वो 4 इंची होती है, और उसको MM में कहें तो 100 MM होती है। मैं आपको बताऊंगा उसकी थिकनेस मेज़र करके अभी। ये देखिए, ये वो लेवर खड़ा है एक, और इससे कंक्रीट, ये लिफ्ट से कंक्रीट ऊपर आया है, और इसको फिर यहाँ प्लेस करें पूरा। यहाँ चेयर भी इस्तेमाल हुए हैं, सब जगह होते हैं वैसे तो। और चेयर की मेन बात जो होती है, उसकी हाइट मेन मायने रखती है मतलब। और बाकी वो जो 1 मीटर पे देते हैं नॉर्मली चेयर, चेयर और कवर ब्लॉक का काम अलग अलग है। चेयर जो रहता है वो सिर्फ एक एक बार से दूसरे बार के बीच में डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए दिया जाता है, ये देखिए चेयर। और जो कंक्रीट कवर ब्लॉक होता है वो कंक्रीट और बार में डिफरेंस मेंटेन करता है। ये देखिए प्लम्बिंग पाइपलाइन दी गई है, और ये कॉलम और बीम का जॉइंट है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाता है जब बीम और कॉलम जॉइंट होते हैं तो। बाकी हम इस पे इन पे साइड पे देखते हैं, ये कैंटिलीवर पोर्शन जा रहा है, ये जो गया है पूरा कैंटिलीवर पोर्शन है। वो संकन स्लैब है, वो जो संकन है, टॉयलेट है वहाँ। ये देखिए हमारी स्टेयर आई है यहाँ इस पोर्शन में, और ये पैड बीम है, इसको कंसील्ड बीम भी बोलते हैं। ये देखिए हमारी स्टेयर यहाँ से अप है, और वहाँ यहाँ से हम आ जाएंगे ऊपर, उसमें ट्रेड और राइजर दिख रहे हैं। ये देखिए कैसे ये स्टिरप्स भी दी हैं, पूरी 8 mm की स्टिरप्स यूज़ हुई हैं यहाँ, स्टिरप्स और बीम में भी और कॉलम में भी। और कॉलम यहाँ 16 mm के यूज़ हुए हैं। अब हम चलते हैं और देखते हैं बीम की डेप्थ। नॉर्मली 400 mm यूज़ हुई है यहाँ, कई जगह 600 mm भी देते हैं। ये देखिए बीम की आप डेप्थ देख सकते हैं ये, और ये लैपिंग पोर्शन है जो दिखाया मैंने अभी। काइंडली शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ये पूरा स्लैब देख सकते हैं आप, ये अपन G+2 बन रहा है। ये क्रैंक बार दी है, ये 300 mm होती है इसकी हाइट मेनली, और इसको ये प्लेन कर, देखो अब थिकनेस बताते हैं इसकी हम, थिकनेस मेज़र करते हैं। ये 4 इंच आना चाहिए, वैसे 4 इंच आ रही है यहाँ,
और नॉर्मली 4 से 5 इंच लेते हैं, ये देखिए 4 इंच और 10 mm, 10 सेंटीमीटर या 100 mm भी बोल सकते हो आप। कुछ जगह वैसे 150 mm भी होती है थिकनेस। ठीक है।